हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का बायो चैप्टर लेसन 8 जीव जनन कैसे करते हैं कि क्लास का को कंटिन्यू करेंगे। इसमें इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था आलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, विखंडन, मुकुलन, डीएनए, आरएनए, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी दी थी। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का पहला टॉपिक है मानव में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं बच्चों? लास्ट क्लास में अपन पढ़े, एक बार और मैं रिवाइज करा रहा हूं। वह जनन जिसमें दो अलग अलग लिंगों की आवश्यकता होती है, यानी एक नर और एक मादा, दो अलग अलग लिंगों की जरूरत होती है। और नर और मादा जब आपस में निषेचन की क्रिया करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। मनुष्य में लैंगिक जनन की क्रिया होती है क्योंकि मनुष्य में मेल और फीमेल, नर और मादा अलग अलग होते हैं, उनके शरीर की बनावट भी अलग होती है, उनके जनन अंग भी अलग अलग होते हैं। और उनमें बच्चों आप लोगों को मैंने बताया था कि उनमें लिंग हार्मोन्स भी अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे नर और मादा। नर का जो जनन अंग होता है वो भ्रूण और शिशिर, मादा में अंडाशय और योनि। इसका जो जनन पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं शुक्राणु, नर के जनन पदार्थ को, और मादा के जनन पदार्थ को हम कहते हैं अंडाणु। ठीक है, इसके अलावा नर में जो हार्मोन्स निकलता है उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं। ये पुरुष में निकलने वाला लिंग हार्मोन्स है, इसी के कारण दाढ़ी मूंछों का निकलना होता है और शुक्राणु बनते हैं। स्त्री में जो होता है वो एस्ट्रोजन, जिसके कारण स्त्रियों में स्तन ग्रंथि विकसित होती है, अंडाणु बनते हैं और एमसी पीरियड स्टार्ट होता है। तो इस तरह से चूंकि मनुष्य में नर और मादा अलग अलग होते हैं, उनके जनन अंग भी अलग अलग होते हैं, उनके जनन पदार्थ भी अलग अलग होते हैं, उनमें जनन हार्मोन्स भी अलग अलग होता है और उनके शरीर की बनावट भी अलग अलग होती है, तब उसमें दो अलग लिंग आपस में मिलकर, नर और मादा आपस में मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं, इसलिए इस क्रिया को मानव में लैंगिक जनन कहते हैं। मानव के लैंगिक जनन की क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर संतान उत्पन्न करने का काम करते हैं और वह भ्रूण बनता है और मां के गर्भ में पूरी तरह विकसित होता है। अब सेकेंड टॉपिक है मानव का नर जनन तंत्र। किसे कहेंगे मानव का नर जनन तंत्र बच्चों? तो वे सारे अंग जो आपस में मिलकर मनुष्य का नर जनन तंत्र बनाते हैं, उन सारे अंगों के समूह को नर जनन तंत्र कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है नर में? एक जोड़ी वृषण, दूसरा एक जोड़ी शुक्रवाहिनी, जहां से शुक्राणु निकलता है, पहुंचता है, शुक्राणु पहुंचाने वाली नलियां। फिर तीसरा एक शुक्राशय, चौथा एक शिशिर, जहां से मूत्र स्रावित होता है पुरुषों का, उस अंग को हम शिशिर कहते हैं। और पांचवा प्रोस्टेट ग्रंथि, जो शुक्राणु को चिपचिपा बनाते हैं। तो मानव के नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण होता है, वृषण से निकलने वाली एक जोड़ी शुक्रवाहिनी होती है, एक शुक्राशय होता है जहाँ के शुक्राणु जमा होते हैं, एक शिशिर होता है जिसे हम नॉर्मल भाषा में मूत्र मार्ग कहते हैं, और एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो कि शुक्राणुओं को चिपचिपा या लिंग तरल बनाती।
इसकी संरचना आपके बुक में है, मैं पेज नंबर दे दूंगा, आप उसे देख लीजिए। फिर है मानव का मादा जननतंत्र। तो वे सारे अंग जो मनुष्य के शरीर में नर या सॉरी मनुष्य के शरीर में मादा जनन अंगों का निर्माण करते हैं, वो मादा जनन अंग आपस में मिलकर मानव का मादा जनन तंत्र बनाते हैं। ये होता है एक जोड़ी अंडाशय जहां अंडाणु का निर्माण होता है, दूसरा एक जोड़ी अंडवाहिनी, ये अंडवाहिनी अंडाशय से निकलती है गर्भाशय तक जाती है, इसको फैलोपियन नली भी कहते हैं। निषेचन यही क्या होता है बच्चों, शुक्राणु और अंडाणु मादा के फैलोपियन नली में ही मिलते हैं, अब भ्रूण के रूप में परिवर्तित होते हैं। तीसरा है एक जोड़ी अंडाशय हो गया, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक योनि, ये मादा का जनन अंग होता है बच्चों, ये मादा का जनन अंग होता है, एक जोड़ी योनि, और चौथा है एक गर्भाशय जिसको हम बच्चेदानी भी कहते हैं, गर्भाशय। एक जोड़ी अंडाशय जहां अंडाणु बनता है, एक जोड़ी अंडवाहिनी जो अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाता है, यहीं पे अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, भ्रूण बनता है। एक योनि मार्ग होता है जिसे मूत्र मार्ग भी कहते हैं, और एक गर्भाशय होता है। नेक्स्ट टॉपिक निषेचन या मैथुन किसे कहते हैं। निषेचन या मैथुन, निषेचन या मैथुन वह प्रक्रिया होती है जिसमें मनुष्य के नर और मादा शारीरिक रूप से आपस में आकर मिलते हैं, और पुरुष अपने शुक्राणु को शिश्न द्वारा मादा के योनि मार्ग तक पहुंचाता है। तो निषेचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें मनुष्य के नर और मादा आपस में शारीरिक रूप से जुड़ते हैं, और नर जो है अपने शिश्न द्वारा शुक्राणु को मादा के योनि मार्ग तक पहुंचाता है, फिर वहां पर अंडवाहिनी में, मादा के अंडवाहिनी में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था फैलोपियन नलिका में शुक्राणु और अंडाणु, नर से क्या मिलता है बच्चों शुक्राणु, और मादा से अंडाणु, और ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो ये बनता है भ्रूण, और यह भ्रूण फिर मां के गर्भाशय में जाकर रोपित हो जाता है, और 9 महीने के समय के बाद इस भ्रूण का विकास होता है, और वो शिशु के रूप में या संतान के रूप में शरीर के बाहर निकलता है। तो निषेचन या मैथुन समझ में आ गया, निषेचन या मैथुन वह क्रिया है जिसमें मानव का नर और मादा दोनों शारीरिक रूप से आपस में आकर मिलते हैं, और नर अपने शिशिर द्वारा शुक्राणु को मादा के योनि द्वार में पहुंचा देता है, वहां पर यह शुक्राणु जाकर अंडाणु के साथ निषेचन करता है, जुड़ता है और भ्रूण बनाता है, और यह भ्रूण फिर गर्भाशय में जाता है, गर्भाशय में यह भ्रूण 9 महीने तक विकसित होता है और शिशु के रूप में जन्म लेता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्लेसेंटा एवं उसके काम। प्लेसेंटा होता क्या है और इसके कार्य। मां का भ्रूण गर्भाशय, माना कि गर्भाशय है, मां का गर्भाशय, यहां पे भ्रूण क्या हो रहा है विकसित हो रहा है, तो मां के गर्भाशय से अब भ्रूण से एक नली जुड़ी होती है, इसे प्लेसेंटा कहते हैं। मां के गर्भ से, गर्भाशय से और भ्रूण से जुड़ी हुई एक जैविक नली को जो मां और भ्रूण के बीच जैविक संबंध बनाती है, उस लंबी नली
प्लेसेंटा कहते हैं। इसी प्लेसेंटा के कारण माँ जो भी भोजन ग्रहण करती है, पानी पीती है, ऑक्सीजन, रक्त सारी इसी प्लेसेंटा नली द्वारा भ्रूण को जाता है। अब भ्रूण जो उत्सर्जन करता है वो उत्सर्जित पदार्थ भी इसी नली से बाहर आता है। तो प्लेसेंटा क्या हुआ बच्चों? माँ के गर्भ में विकसित हो रहा है भ्रूण और माँ के बीच जैविक संबंध बनाने वाली कुंडलित नली को प्लेसेंटा कहते हैं, जिसके कारण माँ के गर्भ में भ्रूण का विकास होता है। माँ जो भी खाती है, पानी पीती है, वो सारी चीजें इसी प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण को जाती है। तो भ्रूण के कारण प्लेसेंटा के कारण इसका काम क्या हुआ प्लेसेंटा का, कि प्लेसेंटा माँ के गर्भ में भ्रूण को भोजन, पानी और ऑक्सीजन, रक्त पहुंचाता है और हानिकारक पदार्थों को वापस। लास्ट टॉपिक है ऋतुस्राव या रजोधर। हमने पढ़ा शुक्राणु योनि मार्ग में जाते हैं शिशिर के द्वारा और अंडाणुओं का निषेचन करते हैं। लेकिन सोचिए जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है, यानी शुक्राणु जब महिला के अंडाणु को निषेचित नहीं करते, तब महिला के शरीर में ये अंडाणु फूटकर ब्लड के रूप में शरीर के बाहर निकलते हैं। तो महिला के शरीर से योनि मार्ग द्वारा रक्त का बाहर निकलना ऋतुस्राव या रजोधर कहलाता है। ये महीने में हर एक महीने में 3 दिन का होता है। हर महीने में महिलाओं में अंडाणुओं का निर्माण होता है। जब वो अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिलते तब निषेचन की क्रिया नहीं होती और भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। तब अंडाणु अंडाशय की दीवार से टकरा जाते हैं और फूट कर हर महीने 3 दिन ब्लड के रूप में शरीर के बाहर निकलते हैं। इसी क्रिया को ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एमसी पीरियड भी कहते हैं। तो बच्चों आज की क्लास आपकी यहाँ कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को याद करना है, नर जनन अंगों के नाम, मादा जनन अंगों के नाम, प्लेसेंटा क्या है उसके कार्य, और क्या होगा अगर शुक्राणु और अंडाणु आपस में ना मिले, यानी ऋतुस्राव किसे कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। यूट्यूब में आप इस वीडियो को क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम